बंद का ऐलान किया गया था, अलग अलग जगहों पर नाके लगाए जाने थे जो कि लगाए गए। 4 बजे तक की समय अवधि दी गई थी कि 4 बजे तक जो है रास्ते बंद किए जाएंगे, मगर 2 बजे ही जाम हटा दिया गया। भारत जो बंद था उसमें से कुछ खुल गया है, ऐसा कहने के पीछे मेरा मकसद यह है कि फिलहाल जो हिसार के जिस मैं यहाँ पर रास्ते पर खड़ी हूँ बीकानेर चौक के पास या फिर जिस पुल के नज़दीक, अभी कुछ ही देर पहले कुछ किसानों ने जो है इस पर जाम लगा दिया था। यहाँ पर जो है गाड़ियाँ यूँ तिरछी करके खड़ी कर दी गई थी ताकि कोई भी साधन, कोई भी व्हीकल यहाँ से गुजर ना पाए, और जो जाम की स्थिति थी वो शहर के अंदर बना दी गई थी। हालांकि आपसी समंजस जो है इसमें नहीं दिखा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो या तो यहाँ पर सुबह से ही जो है जाम लगा दिया जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। दिन में कुछ देर या तो मीडिया हाइलाइट्स में आने के लिए या फिर आपसी असमंजस की स्थिति की वजह से जो है यहाँ कुछ देर के लिए जाम लगाया गया, लेकिन हटा दिया गया। और इस दौरान जो है पुलिस प्रशासन भी एक्टिव रहा। पुलिस प्रशासन ने जो है आकर के यहाँ से एकदम से ये जो जाम है वो हटवाया है, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी अग्रिम जानकारी के जो है यहाँ पर जाम लगाया था, जो कि सरासर गलत है। आखिरकार इस तरीके से कैसे हो सकता है? किसानों की कमेटियाँ बनी हुई हैं, जिन कमेटियों के अंदर जो है ये फाइनल किया जाना था कि किस किस जगह पर जो है नाका लगाया जाएगा, कहाँ कहाँ जो है लोगों को रोकना है, और शहर के अंदर जाकर पुल पे रोकना तो कतई जो है गलत है। शहर के अंदर नाका लगाया गया कुछ मीडिया की हाइलाइट्स के लिए या फिर यहाँ पे जो है एक बार के लिए, अब समझ में ये बात नहीं आई कि आखिरकार कौन थे वो लोग जो किसान के नाम पर जो है यहाँ पर नाका लगा रहे थे। बीकानेर चौक पर जो है जाम की स्थिति खड़ी की जा रही थी, मगर पुलिस की जो है पुलिस ने जो है यहाँ आकर के इस जाम को हटवाया है। पुलिस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए उन लोगों को कहा कि यहाँ से इसे हटाओ, तो ये कुछ जिससे शहर चढ़ सके। और लोग जो है लगातार परेशान हो रहे थे, ना तो यहाँ से जाने का पीछे से कोई रास्ता है, कहीं से भी घूम के जाने का रास्ता नहीं है, और काफ़ी जो है परेशानी की स्थिति शहर के लिए, लोगों के लिए आ गई थी। मगर पुलिस ने जो है अपने हस्तक्षेप की है बीच दौरान, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस नाके को, उस जाम को तुरंत हटवाया है। बड़ा सा नाका क्यों लगाया गया है? आज जो है फिलहाल बीकानेर चौक पर हिसार शहर के अंदर जाम लगाया गया था। हालांकि जो है हिसार शहर के चारों कोनों को भी जो है जाम कर दिया गया है, वहां पर भी जो है रोक टोक लगी है, लेकिन शहर अंदर से चल रहा था, अंदर से जो है पूरा शहर खुला हुआ था। शहर को बीच से बंद करने की कोशिश की गई थी, नाकाम रही। पुलिस ने जो है तुरंत हस्तक्षेप किया, पुलिस ने उस नाके को यहाँ से हटवाया। बड़ा सवाल फिर से कि किसानों के नाम पर जो है अपनी मर्जी, कुछ मनमर्जी कुछ युवा करते हुए नजर आ रहे हैं हिसार शहर के अंदर। हालांकि इस दौरान जो है हिसार की मार्केट जो है आधी से ज्यादा खुली हुई नजर आई है। आम जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है, कुछ लोगों ने समर्थन दिया है तो कुछ लोग जो है परेशानी से जूझते हुए भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट यहीं तक, आगे भी रिपोर्ट का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिविक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।